जुलेस होमला देने इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू बी डीलिंग विद द सेकेंड हाफ पार्ट ऑफ प्लांट क्वारंटीन तेने इस आंगन uh, तेन, uh, uh, में प्लाट क्वारंटीन लेक्चर ना मत इंट्रोडक्शन जिक्स तस्बिन तेने वट आर द ऑब्जेक्टिवस तस्बिन तेन वी टॉक्ट अबाउट द इंस्पेक्शन प्रोसेस कैसे एक क्वारंटीन स्टेशन में आपके जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं प्लान प्रोडक्ट्स हैं या ना चीज इन ना प्लान पार्ट चिक उसको कैसे इंस्पेक्ट किया जाता है ठीक है नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ प्लान क्वारंटीन सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद प्लान क्वारंटीन ट्रीटमेंट्स हाला गोमाता प्लान इंट्रोड्यूस क्यक इंट्रोड्यूसिंग ना इंस्पेक्शन इसमें अगर आपको पता चलता है कि उस पर्टिकुलर इम्पोर्टेड मटीरियल में इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन है तो देअ आर वेरियस मेथड्स जिस जिससे कि हम उसको ट्रीट कर सकते हैं ठीक है सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू वेरी मच डिटेल्स ऑफ दिस आई एम जस्ट गोइंग टू रीड इम्पोर्टेंट वनस फर्स्ट इज़ यूअर फ्यूमिगेशन ठीक मेरा अच्छी तहाँ अच्छी चूंगे ना नो फ्यूमिगेशन फ्यूम्स यूज चूंगे ना नो देने अंडर एटमोसफेयरिक और अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर मिथाइल ब्रोमाइड फॉर फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड प्लांट्स नट्स Uh, ships uh, wood products etc chi ji na i chang me fyang ta methyl bromide po khetana uh, pressure dinang nang ku nga ta spray chono fumigate chono uh, nga ta particular jaga room chi gi nang ku imported material po bor tene methyl bromide po nga ta fumigate chono thik mi dale tyu man pa tena nga ta ya fumigants yut ka for example hydrogen cyanide phosphine edct uh, zera tsosla i tsang ma nga ta yushu nyana no ka ve ka ne surface uh, nga माइक्रोब्स यथोजेंस होता है वो वहाँ पे मर जाते हैं सेकेंड इज़ हीट ट्रीटमेंट ठीक है फॉर इराडिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स माइट्स नीमटो फंगी बैक्टीरिया एंड वायरसेस सो इनके इराडिकेशन के लिए इनको रिमूव करने के लिए हम हीट यूज़ कर सकते हैं ठीक मेरा लें सो हीट ट्रीटमेंट वो कहते हैं ना अलग अलग माइट्स फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स अलग टेम्परेचर तंगोसा डो नेमेटो सफे अलग गोसा डो तो वो आपको डिटेल पता होना चाहिए उसके बाद ही यू आर गोइंग टू किल दोज़ पैथोजेंस एंड वन थिंग यू शूड रिमेम्बर बेसिक प्रिंसिपल ये है कि वो ट्रीटमेंट इस तरह से होना चाहिए कि आपका जो प्लांट प्रोडक्ट है उसको नुकसान नहीं पहुँच पहुँचना चाहिए ठीक मेरा लिया फॉर एग्जाम्पल आपने सीड्स क्यों सीड्स पो यहाँ पो आपके फॉर एग्जाम्पल इन्फेक्शन है कोई भी डिजीज़ है तो उस डिजीज़ को मारना है ना कि आपको आपके आपका जो होस्ट है यंगना सीट है मतलब सीड सीट पोखर चंग डैमेज छम नंकु नंकू आयु का नहीं या फिलो आयुका नहीं कहते हैं सिर्फ पैथोजन बोआउंगा कहीं कहते हैं डिस्ट्रक्शन यांग नही डैमेज पोचो चलो ठीक मिरा सो फॉर एग्जाम्पल यह नेमेटोज योत्तना फ्लावर बर्ड्स ना तेफी हाँ फोटी फोर डिग्री सेल्सियस हीटो ना टू फोर्टी मिनट्स ट्वेंटी फोर मिनट्स मोह सॉरी क्राइसैथिम इन्ना फोर्टी एट डिग्री सेल्सियस हीट तक ना फॉर ट्वेंटी फाइव मिनट्स पटेटो ट्यूबर्स हाँ इंपोर्ट जोस्त हाला हालांला उस टाइम पे आप फोटी फाइव डिग्री सेल्सियस ही फाइव मिनट्सा पुरानून जसला इंसेक्ट्स माइट्स इना स्ट्रॉबेरी रनर्स इन्ना इन्सेक्ट्स माइट्स होना हंगाई उम्मीम पे हा फोर्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस का उसको टेम्परेचर दोगे फॉर टेन मिनट्स ओके सो दिस इज अबाउट हीट ट्रीटमेंट थर्ड इज कोल्ड ट्रीटमेंट सो जैसे आपने हीट दिया है उसी तरह से आप उसको उस सीट को कोल्ड ट्रीटमेंट भी दे सकते हो सो कोल्ड प्लाज्मा विद द हेल्प ऑफ जेट है ऐसे आपके हमारे पास मशीनरी होते हैं जिसमें जिससे कि हम उस पर्टिकुलर सीट्स को जो है कोल्ड ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं फंगस इन्फेक्टेड प्लांट अगर यहाँ पे फंगस है तो हम उसको क्योंकि वी ऑल नो फंगस कहाँ ग्रो करता है इट ग्रोज इन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस तो हम उसको हॉट की जगह पे एक्सट्रीम कोल्ड ट्रीटमेंट दे दे तो वो फंगस मर जाता है ओके okay. फोर्थ इज केमिकल ट्रीटमेंट तो केमिकल ट्रीटमेंट तो ऑब्वियसली होगा तो केमिकल्स कैन बी यूज़ इन द फॉर्म ऑफ डस्ट स्लरी स्प्रे और डिप हम सीड्स को डिप भी कर सकते हैं सीड्स पे स्प्रे भी कर सकते हैं ठीक है वी कैन यूज़ स्लरी टू डिप द सीड्स सो ऑल दोज कैन बी यूज ठीक है बट हमें ये याद रखना है कि केमिकल्स का जो डोसेज होगा

हेल्थ खराब कर दे ऐसा भी नहीं ऐसे केमिकल्स भी नहीं होने चाहिए सो यू हैव टू बी केयरफुल विथ ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ प्लांट क्वारंटीन और ट्रीटमेंट ठीक है उसके बाद देयर इज़ अ वेरी न्यू टेक्निक दैट इज़ टिश्यू कल्चर सो टिश्यू कल्चर मतलब आपको पता है अजना नॉक्सना वेन अ इज ग्रोइंग फॉर एग्जाम्पल ग्रोशिचुस्त दीज आर द रूट्स दिस इज दिस इज ग्रोइंग बिलो सॉइल ठीक है सो वहाँ तक पता ना कि प्लांट इट टिप एक अची ऑन पिल्ले यहाँ पे क्या होता था इफ यू रिमेंबर यूअर थर्ड सेमेस्टर सिलेबस यू है शूट एपिकल मेरिस्टम लाइक वाइज रूट्स इ गो अची ऑन ओ रूट एपिकल मेरिस्टम सो दीज आर मेरिस्टमैटिक रीजन्स एंड दे कंटिन्यूअसली कीप डिडिंग एक्सम्पल इतुला मेरिस्टमैटिक सेल्स को डिवाइड छेन्न दोनों and there is very 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 less chances of infection in these areas so e area gune nanga infection chache se ma kam chance on shoot apical meristems gune nanga ko thik ra so in tissue culture what we do we take these meristematic regions ठीक है सो मेरिस्टम यहाँ पे भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपका जयगोड बनता है आ, मेल ना फीमेल गैमेट फ्यूज सोंसते जो आपका जाइगोट बनता है जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है दैट मीन्स कि जाइगोट इज़ नाउ डिवाइडिंग सेल बढ़ रहा है सेल वो डिवाइड छिनछनो सो दिस इज ऑल्सो मेरिस्टमैटिक आपका एम्ब्रियो जो है वो भी बहुत मेरिस्टमैटिक है बिकॉज इट इज़ इन अ कंटिन्यूसली डिवाइडिंग स्टेट सो सो हम क्या कर सकते हैं हम इन रीजन्स को ले सकते हैं मेरिस्टोमैटिक रीजन्स को एम्ब्रियो को इनको ले कर फिर हम जो है उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बिकॉज देयर इज वेरी लेस चांस दैट इट हैज इन्फेक्शन सो दिस इज अ वेरी न्यू टेक्निक अंडर टिश्यू कल्चर ठीक मेरा लें आई होप यू अंडरस्टूड द ट्रीटमेंट्स फ्यूमिगेशन हीट ट्रीटमेंट कोल्ड ट्रीटमेंट केमिकल्स एंड टिश्यू कल्चर ओके नाउ लुक एट दिस चार्ट Uh, दो चार्ट्स हैं ये वाला इम्पोर्ट फ्लो चार्ट है दूसरा वाला एक्सपोर्ट फ्लो चार्ट है ठीक है आई एम गोर क्विकली रीड दिस आउट इम्पोर्ट मतलब जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट मतलब जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या प्लांट क्वारंटीन आपके प्रोसीजर्स प्रोसीजर्स होते हैं ठीक है सो फर्स्ट इज़ एप्लीकेशन फॉर इम्पोर्ट प्लांट इंस्पेक्शन फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया में इम्पोर्ट कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर सीड तेने उस टाइम पे इंपोर्ट इंस्पेक्शन होगा तकसा हल नजरा तख्सा इंस्पेक्शन होगा ये हल नाज ये जाए स्लाइड नज़र इनकी विजुअल इंस्पेक्शन होगा एक्सरे टेस्ट होगा वॉशिंग टेस्ट जो भी होगा ये सारे इंस्पेक्शन होंगे फर्स्ट स्टेप में ठीक है फिर इंस्पेक्शन के बाद इफ़ इट इज़ फाउंड फ्री फ्रॉम क्वारंटीन पे पेस्ट अगर इसमें कोई डिजीज नहीं है पेस्ट नहीं है तो वो इंस्पेक्शन पास हो जाता है एंड देन वी इशू द प्लांट क्वारंटीन सर्टिफिकेट ठीक है क्या इशू होता है प्लांट क्वारंटीन सर्टिफिकेट दैट दिस पर्टिकुलर वाट एवर मटीरियल यू हैव इम्पोर्टेड इज फ्री फ्रॉम क्वारंटीन पेस्ट ओके नाउ सेकेंड केस इज इफ द क्वारंटीन पेस्ट डिफेक्टेड ठीक है अगर क्वारंटीन जो आपका है जो भी मटीरियल है उसमें अगर आ, पेस्ट पाया जाता है इफ इट इज डिटेक्टेड क्वारंटीन पेस्ट डिटेक्टेड अगर आपका पेस्ट डिटेक्ट होता है तो फिर हम इसको एंट्री रिफ्यूज़ कर देते हैं हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल खोसते ना होते स्टेशन है ना जो भी प्रोसीजर होगा वो करेंगे एंड इसको डायरेक्टली हम इंट्रोड्यूस uh, का जगह खिर्चे सिंह फॉर एग्जाम्पल ये का फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम चाइना चाइना नेगा कर सन क्या इंडिया ने खोचन क्या फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है अब यहाँ पे जो क्वारंटीन स्टेशन होगा तो उस क्वारंटीन स्टेशन में अगर यहाँ पे पेस्ट डिटेक्ट हो जाता है तो फिर इंडिया में फॉर एग्जांपल इसको जाना था चाइना से हमने टी इंपोर्ट कर लिया फ़ॉर एग्जांपल इसको जाना था फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश जाना था तो हम इसको हिमाचल प्रदेश नहीं भेजने देंगे ठीक है सो इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड इन द क्वारंटीन स्टेशन उसके साथ क्या क्या होगा हम देखेंगे सो एंट्री इज़ रिफ्यूज इट इज़ ईदर डिस इन्फेक्टेड ठीक है या इसको कम्प्लीटली डिस्ट्रक्ट कर देते हैं अगर हम इसको डिसइनफेक्ट uh, नहीं कर सकते तो हम इसको डिस्ट्रक्ट कर देते हैं हम इसको डैमेज इसको हम बिल्कुल ही डिस्कार्ड uh, कर देते हैं या फिर रिशिपमेंट के लिए या फिर से जो कि फ्री फ्री फ्रॉम पेस्ट हो गो नहीं गाँव रिशिपमेंट जो जो ठीक है ओके सो दी आर द स्टेप्स फॉर द इम्पोर्ट फ्लो चार्ट तो उसला एक्सपोर्ट कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से इंडिया से एक जगह से ए से दूसरी जगह बी जगह हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो अगेन एक्सपोर्ट के लिए भी एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन होता है सो इट डिपेंड्स उस कंट्री का रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसा है ठीक मेरा सो इट डिपेंड्स अपॉन द इम्पोर्टिंग कंट्री ते का कंट्री भी इम्पोर्ट जो है तो उसमें कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन है उस पर डिपेंड करता है फॉर एग्जाम्पल इंडिया में मैंने आपको बताया था इंस्पेक्शन होता है तो उसी तरह से यहाँ पे इंस्पेक्शन होगी फिर उसके बाद कन्फर्मेटी विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द इम्पोर्ट कंट्री उस कंट्री में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसमें अगर कन्फर्मेशन uh, हो जाता है उसके साथ कंपाइल हो सा, हो जाता है तो वो uh, तो फिर वो इंस्पेक्शन पास कर लेता है फिर वो पर्टिकुलर कंट्री uh, जो है वो उसको फाइटोसैनि मॉनेटरी सर्टिफिकेट देता है तो अगर उस कंट्री जो भी इंपोर्ट कर रहा कंट्री उसके साथ कन्फर्मिटी नहीं होता है नॉन कन्फर्मिटी विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंपोर्ट कंट्री तो उस टाइम पे एक्सपोर्ट जो है वो रिफ्यूज हो जाता है जैसे कि ये एम्बार्गो ना दारे हन ला जरा चौसला ओके सो दिस इज अबाउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट सो यहाँ पे आप देखिए दिस इज योर फाइट्रोसैनिटरी सर्टिफिकेट ये so, uh, का जी एग्जाम्पल लिफे सैम्पल अ अल फाइटोसेनेटरी सर्टिफिकेट यू का निखेर दुक फ्रॉम प्लान प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द यूनियन यूनियन ऑफ म्यांमार देने यू म्यांमार ने का रखे दुक टू रिपब्लिक ऑफ इंडिया सो हम ये कहाँ ले रहे हैं म्यानमार से इंडिया गाते इंपोर्ट इम्पोर्ट जो इंडिया गाते हैं ची तेना फाइट्रो सैनिटरी सर्टिफिकेट तंग सो हियर वी विल हैव द नेम एंड एड्रेस ऑफ द एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट कर रहा है म्यानमार से और यहाँ पे जिसका कंसाइनी का वो एक ना इंडिया न जिसको चाहिए ये रिसीव कर रहा है उसका एड्रेस ठीक है सो नंबर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ पैकेज उसमें क्या क्या है ठीक मेरा तेना चोसला म्यांमार का जूक अच्छा अच्छा सिन कन्वेंस बाई सी जा रहा है बाय एयर जा रहा है और कहा यहाँ पे एंट्री होगी इसकी कलकत्ता में फॉर एग्जांपल कोलकाता में ये आने वाला है ठीक है सो so, उस प्रोड्यूस का नाम भी लिखेंगे बोटेनिकल नाम भी लिखेंगे वेट लिखेंगे ऑल दोस थिंग्स देन उसके बाद यहाँ पे जो भी डिक्लेरेशन होगा सेकंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में डिसइंफेक्शन एंड और डिसइंफेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट तो यहां पे अगर ट्रीटमेंट हुई है तो ट्रीटमेंट का डेट कौन सा ट्रीटमेंट यूज़ किया गया है फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यूमिगेशन किया गया है तो फ्यूमिगेशन सो so कैसे किया कितना ड्यूरेशन कितना टेम्परेचर दिया यहाँ पे ठीक है कौन सा केमिकल यूज़ किया डिसइनफेक्टेशन के लिए वॉट वॉज द कॉन्सेंट्रेशन चमच ग्यूस चोस्पिनते डिस केमिकल बिंग ठीक रह सो so, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑल दोज कौन से डेट पे हुआ ऑल दोज थिंग्स हैव टू बी

सो so, इंडे ना खेते ना अवेयरनेस अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी माउस किया वैन इंडियन गवर्नमेंट इन नाइनटी हंड्रेड सिक्स ऑर्डर्ड कंपलसरी फ्यूमिगेशन ऑफ इम्पोटेड

बेस्ट पोखे थे ना इंडियन इंट्रोड्यूस छुजे कंपलसरी इसको फ्यूमिगेट करना जो है हमने स्टार्ट किया इंडिया में ठीक है सो so, उसके बाद फिर माँ तई नाइनटीन फोर्टीन नेतांसते समी माताई टाइम लाइन में क्या क्या एडवांसमेंट्स हुए का यू डिटेल ना सिलचे से तक सही प्लेटफॉर्म मानो बट जैसे कि फॉर एग्जांपल 1914 ना डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट एक्ट आया डीआईपी एक्ट वेरी फेमस ये जो ऑब्जेक्टिव नटिंग एंड एन डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रकटिव एंड पेस्ट एक्ट डीआईपी एक्ट है ना तो नाइनटीन 1946 ना इना ना

tena tsukla tena 88 ena yang policy soma dot kya halale tena tsukla 89 ena pfs order uh, bo khe tena revise son kya ka 1984 ena bing submit pina le pfs to yang 1989 ena revise son kya ठीक रहे तेने तेने ताएँ लास्ट पो 2003 ना थ्री नंगा प्लांट क्वारंटीन ऑर्डर थे हमें संग लेटेस्ट पो का वे नंगा इट हैज़ द रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट इनटू इंडिया तो इंडिया में जो भी इंपोर्ट होगा प्लांट प्रोडक्ट उस पर क्या क्या रेगुलेशंस होंगे दोज़ आर कवर्ड अंडर प्लांट क्वारेंटीन ऑर्डर टू थाउजेंड okay. थ्री

क्रॉप साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है हेड ऑफ प्लांट पैथोलॉजी डिवीजन ऑफ स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज तो मैं तई स्टेट इन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज होना फॉर एग्जाम्पल तक स्कॉस्ट होना सो हलेे तो बिना प्लान पैथोलॉजी डिवीजन हेड पौते इस बिना इन्वॉल्व यून ठीक रहा तो स्टेट एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टीकल्चरल डिपार्टमेंट्स वाग पोत सो दीज आर द एजेंसीज दैट आर इन्वॉल्व इन प्लान क्वारंटीन सो देर आर मेनी प्लांट क्वारंटिन स्टेशन घुमा फिलोक ना इम्पोर्ट जो आ चिकपोते ने मत सब में इंपॉर्टेंट प्लांट क्वारंटीन स्टेशन जहाँ पे आपका इंस्पेक्शन होता है

सोते ना चोक सिक्सटी फाइव इनलैंड कंटेनर डिपो भी है हमारे पास दिन चोसला इलेवन फॉरिन पोस्ट ऑफिसेस भी हैं सो दीज आर बेसिकली द प्लांट क्वारंटीन स्टेशन ओके नाउ लास्टली वी कम टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट क्वारंटीन दीज आर क्वाइट ईजी यू कैन रीड दिस योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड बट स्टिल आई एल जस्ट चूं छूनिंग इज जेर इन क्योंकि सिंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लान क्वारंटीन इज इन योर सिलेबस Uh, number first is presently plant quarant uh, quarantine is essentially a legally based defense system against new arrivals of exotic organisms called pests and uh, pathogens that.

a number of foreign pests uh, entered uh, subcontinent in early 20s because of inadequate quarantine ye aapko maine pehle bhi bataya tha nga early 20s in khete nang uh, mangpo foreign pest mangpo introduce on india for example late blight of potatoes zara chuksela, hala, banana banji top zara chuksla

plant quarantine is an important aspect of the plant because we are providing sanitary and phytosanitary agreement under uh, World Trade Organization. So, if you want to do it, you want to do it, you want By regulating, restricting the import of plants, products, plant quarantine process prevents the introduction and spread. Again, the exotic pests won't be destructive. crops go ne fiat yong ata introduce chami chukches then na chok lang ata safe global trade chik facilitate chukches ka we kaneng ata producers lang fayda yon yang na jingbat pang fayda yon yang na yang yang po exporters ka ni jingbat pe kaneng news te yang jaga philo ga chung hat te go nang fayda yong che singa last chus na thik le by providing reliable phytosanitary certificate then that's also pathogens of minor consequence in their native environments हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट का पैथोजन उनका खुरी नेटिव जगह का तेजम डिस्ट्रक्टिव मैडो हलाम से डिस्ट्रक्टिव मैडो खो एनिमी एनिमीस क्या बट खो यंग जगह जय खेरा चिकपो खो माँ फ्लरिश सोचते थे न ना खो, खो मा डिस्ट्रक्टिव जैसे चांस सो so, उसको अवॉइड करने के लिए प्लांट क्वारंटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट okay so it is uh, vital to prevent the introduction of non indigenous pests and diseases indigenous kaungatang rai native in non indigenous kaungatang rai produce machokan philog nekhong kan hala so philog neong kan pests and disease gun gatik country nga young mechukches yang young nangte eradicate touches before they can be widespread and well established Tigras so these are the importance of प्लान्टरंटीन एंड इन द कंक्लूजन द प्लान क्वारंटीन एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट टूल इन एक्सक्लूडिंग पेस्ट एंड डिजीज फ्राम क्रॉप सो प्लान क्वारंटीनता एक ऐसा टूल है एक ऐसा हथियार है जिससे कि हम एक्जॉटिक पेस्ट और डिजीज़ को दूर रख सकते हैं अपने एरिया से ठीक मेरा लें सो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ़ क्वारंटीन प्रोसेस इज हाईली रिकमेंडेड फॉर मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस सो वहाँ तेफिया इफेक्टिव इंप्लीमेंट जो चेस माता स्मगल जो से मिख्यों चाहेंते हुआ वहाँ वन चुस्ते जगह चिगने जगह चाहिए प्लांट मटेरियल मीठा चिज ते दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड इट इज़ हाईली रेकमेंडेड ठीक मेरा ले, विच इंटर्न हेल्प्स इन मेंटेनिंग क्रॉप्स प्रोडक्टिविटी जिसकी वजह से अगर जो भी आपका सीड आता है वो हेल्थी आएगा एंड इट विल बी एबल टू फ्लरिश इन अ प्रॉपर मैनर अगर हम उसको प्लांट प्लान्टरेंटीन के प्रोसेस से होते हुए थ्रू द मेथड ऑफ गोमा रंगा तंट्रोडक्शन सोचते तेने तेज इंस्पेक्शन सोचते खुना खुआ तेने इंस्पेक्शन सोचते ट्रीटमेंट और सोचते अगर ज़रूरत हो तो उसके बाद फिर आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है दैट इज़ फाइटो सैनिट्री सर्टिफिकेट देन ओनली आपका जो है ये न्यू प्लेस में इंट्रोड्यूस हो देने अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ पे डिजीज या न्यू uh, पेस्ट का आना जो है वो नामुमकिन हो जाता है सो दिस इज़ वाई प्लांट क्वारंटीन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट ठीक मेरा लें सो so आपके एग्जाम्स uh, के लिए इन योर सिलेबस यू ओनली हैव सीट क्वारंटीन के बारे में इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिवस एंड द इम्पॉर्टेंस बट आई हैव आई हैव डेल्ट विध मोर दैन दोज एस्पेक्ट्स उसके अलावा मैंने आपको काफ़ी स्टेशन्स और एजेंसीज़ और आ, इंडिया में क्या सिनेरियो है कैसा फाइट्रोसैनिट्री सर्टिफिकेट कैसा दिखता है वॉट इज़ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर वो सारा चीज़ आपको मैंने समझा दिया है आई होप दिस इज़ अंडरस्टूड थैंक यू